अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद मजीद चट और आज इतने दिनों के बाद मैं व्लॉग शुरू करने लगा हूँ। मेरे व्लॉग को देखने पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज बात है कि कितनी चीज़ चल रही है, आज हमारे जानवरों को भी सुकून मिल जाएगा। प्याज डालने के लिए आया था मैंने ऊपर और मम्मा ने डाल भी दिए। ये देखो मुझे लगा ऊपर पड़े होंगे, मम्मा ने रख दिए होंगे, मम्मा ने डाल भी दिए प्याज ला के। मुर्गियाँ कहाँ हैं? मम्मा ने किया तो यहाँ तो नहीं है। अच्छा ये रही, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ना मुर्गियाँ बैठी होती हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर उठी हूँ ना मुझे लग रहा है अंडा अंडा देने के लिए बैठी हैं, तो फिर थकी होंगी वैसे ही बैठ जाती हैं। सारे दिन तो पाइडी घूमती रहती हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, सबसे पहले इनका दरवाज़ा खोल के इनको बाहर निकालता हूँ। कुत्ते तो यहीं पर ही रहते हैं पूरी रात। मैंने कुत्ता बने आपको समझ नहीं लगेगी इस कुंडे की। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे फालतू हो जा रहे हैं। अभी इनको आए हुए सिर्फ वो, अभी इनको आए हुए मेरे ख्याल से 5 दिन हुए हैं। 5 दिन हुए। टोनी टोनी टोमी टोनी टोमी टोनी पापा कह रहे थे कि ये नाम सही नहीं है, हम दूसरा रख लेते हैं। वो थोड़ा सा मुश्किल था, फिर मुझे वो याद नहीं आया, मैंने फिर रखा ही नहीं। मुझे अभी भी नहीं याद वो कौन सा नाम बताया था। मैं तो या तो फिर मैं इसको पतलू कहता हूँ, इसको मोटू कहता हूँ, या तो फिर इसको मैं टोनी कहता हूँ, इसको टोमी कहता हूँ, दोनों एक जब भी आती हूँ। तो जब दोपहर ना हो ना सुबह सुबह मैं इनको खोलूँ, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाती है। मुझे लगता है इनको यही जगह पसंद है। ये जो से पत्ते हैं ये डरता बहुत है। ये अच्छी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज मैं 3 किलो बनाऊंगा, आज 12 किलो वाला, तो मैं 1 किलो ने सेट करने का बनाऊंगा, एक ये वाला भी लो और एक मेरा हाथ चाट दिया। मैंने इसको पकड़ा, इसने मेरे ऊपर ऐसी कर दिया। और बाहर डब्बे वाल के जो से हमने बाहर लड़ियाँ लगाई हैं उसका दिखाऊंगा, लेकिन वो अगले भी लोग अभी तो इनका ही प्लान। ये मुझे बहुत प्यारी लगती है वो, उसके बाद मैं जाऊँ ना ऐसे करके भाग जाते हैं वो। ये तो ये नहीं भाग, बस थोड़ी देर इनका खेला होता है, थोड़ी देर बाद जब मैं ऊपर आऊँ ना मेरे पीछे आ जाते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं फिर वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। ये देखो पहले ये 2 बड़ी नीचे जा चुकी है। पहले 2 बड़ी नीचे गई है, फिर उधर नीचे चल जाए। इनको मैं मगरिब टाइम बंद कर दूंगा,
बाकी पूरी जिंदगी घूमती रहती है अपने मजे। एक सुबह सुबह मैं इनको डाइट दे देता हूँ शाम को बस, और इसके बाद मैं भी इसके पास गया ना करता। अभी लेटी पड़ी है, इसको परेशान नहीं करता। ये वो जहाँ पर कुत्ता जाता है, ये हम हमसे चुप चुप के जब हम साइड भी हो जाते हैं, ये ऐसे चुप चुप के उसके बाद चल जाते हैं। दोपहर के टाइम ये हर वक्त यहाँ पर होते हैं, जैसे ही हम आते हैं हमारी आवाज़ सुन के ना हमारे पास। फिर वहाँ पर है कुछ तनिया मुर्गियों के पास चलते हैं, देखता हूँ कि ये बैठी हुई है या खड़ी हुई है। अभी बैठी हुई थी, खड़ी काली मुर्गी को ये शौक क्या, ये शायद अंदर दे दो। पहले पहले हम मुर्गियाँ रखी थी ना, तो मेरे पापा का पापा वो ना बीमार होगी, मैंने उसको वो डाल दी थी नींबू, वो बीमार होगी सारी। फिर एक को ही डाली थी, वो ना अलग पिंजरे में थी, एक मुर्गा था उसको, उसके हलक में फंस गई जाके नींबू, उसको फिर हलाल करवाना पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता काली मुर्गी थी ना, काली मुर्गी को हुआ वो बीमार, काली मुर्गी हुई। फिर दूसरी होगी जैसे ये नहीं हमारी काली मुर्गी, वैसी ही थी वो भी काली मुर्गी, वो बीमार हुई। फिर सारी को लग गया, एक मुर्गी अंडा देने वाली थी, तो मैंने जब उनको हलाल करवाने गया था तो मेरे पापा को, पापा ही देख लेना शायद इनमें अंडा हो, तो चेक किया तो इतने अंडे निकले। जो सी वाइट मुर्गी थी हमारे पास एक, वो बहुत प्यारी लगती थी मुझे, वो वाइट मुर्गी थी ना, वाइट मुर्गी में से एक अंडा निकला। हमने घर ले आए, खा लिया उसको। और हमारे पास एक चूज़ा मिला था मुझे गली से, इतना शैतान, उसने पिंजरा ही तोड़ दिया। हमारे पास इतने छोटे छोटे ना वो चार थे वो चूज़े, उनको हमने पाल के बड़ा करना, लेकिन बस बीमारी हो चुकी थी। ये फिर बाहर आने की सोची, ये नीचे जाएगी ना तो फिर इसके साथ ये भी आ जाएगा, दोनों फिर नीचे चल लेंगे। मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ फिर भी पीछे जा रहा है। आ जाओ, कुछ भी नहीं करता तुम्हें, ये नहीं मानता। तो आज का व्लॉग यहीं तक, आज के व्लॉग को करते हैं खत्म। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बात करनी चाहिए चार्ट।